कोलकाता के भीड़ भरे इलाके में मौजूद है एक ऐतिहासिक घर जिसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस पुराने मकान के ऊपरी हिस्से से आज भी घुंघरुओं की छनकान सुनाई देती है। सूरज ढलने के बाद इसकी अंधेरी ऊपरी मंजिल पर जाने की बात कोई नहीं करता है। आखिर क्या है कोलकाता के पुतुलबाड़ी का राज, जानने के लिए देखते रहिए आज की ये खौफनाक कहानी आपकी दोस्त दीपिका के साथ ओनली ऑन थ्रिलिंग वीकेंड्स। हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। कोलकाता अपने सांस्कृतिक प्रेम, रस भरे मिठाइयों और हावड़ा ब्रिज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ अक्सर पर्यटक अंग्रेजी शासन के दौरान बनी इमारतों को देखने आते हैं। पर इस शहर का एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ जाने से लोग कतराते हैं। पुतुलबाड़ी सर्कुलर रेलवे ट्रैक के पास शोभा बाजार इलाके में बसी एक पुरानी हवेली है। रानी विक्टोरिया के शासनकाल के दौरान कोलकाता को दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त शहर माना जाता था। बाबुओं की उत्तम जीवन शैली और उनकी धन दौलत ने इस जगह को कुबेर का निवास स्थल बना दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान पुतुलबाड़ी अमीरों का गोदाम घर हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में जब हुगली नदी में व्यापार की गतिविधियां बढ़ने लगी, तब विदेशों से लाए जाने वाले सामानों को शोभा बाजार के गोदाम घरों में रखा जाता था। ऐसा ही एक गोदाम घर था शोभा बाजार का पुतुलबाड़ी। इस मकान के मालिक की एक छोटी सी बच्ची थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उस बच्ची को गुड़िया से खेलना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से मकान के मालिक ने उस घर को तरह तरह की गुड़िया से भर दिया था। पर एक दिन उसी गुड़िया से खेलते खेलते वो बच्ची मकान की सीढ़ियों से गिर गई और एक दर्दनाक मौत मरी। इस घटना के तुरंत बाद उस मकान के मालिक ने उस घर को बंगाल के एक अमीर बाबू को बेच दिया, जिसके बाद ये खूबसूरत दिखने वाला मकान अंग्रेजों का सामान रखने का स्थान बन गया। इस मकान का नया मालिक बहुत बड़ा अय्याश था, जो हमेशा शराब के नशे में चूर रहता था। और जल्द ही शोभा बाजार का वो आलीशान मकान एक कोठा बन गया, जहां बंगाल के अमीर बाबुओं से अंग्रेजी साहब तक सभी नर्तकियों का नाच देखने आने लगे। और नशे की लत में चूर कई आदमियों ने उन नर्तकियों की इज्जत लूटी और उनका खून करके उन्हें उसी हवेली में गाड़ दिया। इस मकान के बंद कमरों में एक भयानक दर्द भरी कहानी छुपी है, जो किसी की भी रूह को झकझोर के रख सकती है। एक समय आलीशान दिखने वाले पुतुलबाड़ी की हालत आज किसी पुराने खंडर से कम नहीं। हालांकि इस मकान के निचले हिस्से में आज भी कुछ परिवार किराए पर रहते हैं, पर इस हवेली की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता है। कहते हैं आज भी इस मकान की ऊपरी मंजिल से रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और घनी अंधेरी रात में लोगों ने परछाइयों को भी गुजरते देखा है। उन नर्तकियों की चीखें आज भी इस मकान में गूंजती है और इस जगह को और भी भयानक बनाती है। कोलकाता में मौजूद ये ऐतिहासिक हवेली लोगों के दिलों में खौफ बनकर जीती है। रात को इस हवेली की सारी गुड़िया या मूर्तियों में जान आ जाती है और वो इस जगह पर हुई क्रूरता को अपने शब्दों में बयां करती है। कुछ लोग इन बातों को अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ लोग आज भी इस पुरानी हवेली में जाने से कतराते हैं।
आपको क्या लगता है कि बरसों से बंद पड़ी इस पुरानी हवेली की दूसरी मंजिल में रूहानी शक्तियों का वाकई में वास है? हर हफ्ते अद्भुत और रोमांचकारी कहानी सुनने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाजत दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।